हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम एलपी बैक वाटर्स। बट आप लोगों ने सुना होगा कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है, सो एलपी पहुंचने के लिए मुन्नार से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ केरला सीरीज। अगर इससे पहले कि आपने दो एपिसोड्स नहीं देखे तो इस एपिसोड से पहले या बाद में आप वो एपिसोड जरूर देख सकते हो। वो दो दिन हमने मुन्नार में टाइम स्पेंड किया है जिसमें हमने देखा है रिपल टी फैक्ट्री, जिसमें टी बनती कैसे है वो सारा प्रोसीजर हमने समझा है, मुन्नार के टी गार्डन्स, मुन्नार के एको पॉइंट, कथकली फ्यूजन डांस, जोस्टल मुन्नार का हमारा एक्सपीरियंस और मुन्नार की ब्यूटीफुल ड्राइव। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं मुन्नार के जोस्टल से और निकलने वाले हैं 4 घंटे दूर मुन्नार से ब्यूटीफुल जगह जिसका नाम है एलपी, जिसको मलयालम में कहते हैं अलपूजा, और आप लोगों ने सुना होगा इसको द वेनिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो इस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले आज का व्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या हुआ, कैसे मिसेस गिल को उनकी लाइफ का सबसे टेस्टी मैंगो मिला, हम लोगों का हाउस बोट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या मुझे मेरे कैप्टन ने बोट चलाने दी। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कुकू आई है मेरे से मिलने के लिए सुबह वर्क स्टेशन पे। यस, और इतना प्रिटी है यहाँ पे। सुबह के टाइम होता सुबह के 6:30 हो रहे हैं, 6:40, और ठंड लग रही है फैंसों के लिए। मैं नेटवेयर लेकर आया हूँ, देखो कितना सुंदर है, सनराइज हो रहा है, हाउ प्रिटी। बाय बाय हॉस्टल, बाय हॉस्टल, लेट्स गो टू एलपी। फैंसू चेकआउट करवा रहा है। चढ़ाई बहुत मुश्किल है दोस्तों यहाँ की। ओह माय गॉड, शिट, बहुत जोर लग रहा है गाड़ी का। गर्मी 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 गर्मी। सो पीछे ही पीछे मैं दूसरी टैक्सी में आ रहा था और मैंने मम्मा को बोला कि आप इस टैक्सी में बैठो, मैं और कीरत पैदल आते हैं ऊपर तक। दोस्तों ये बड जो होती है ये वाइट टी बन जाती है। गाइस अभी तो इसको धक्का मार के मैं चढ़ा रहा हूँ ऊपर, साला कल तक बोल देगी ये तो मेरे को खींच के चल रहा था ऊपर। कितना सुंदर सीनरी है देख। हमारा कोई ड्राइवर आता नहीं यहाँ पे तरस खाकर नीचे, लग रहा है तेरे को किसी हिसाब से। और कितना ऊपर है, आजा मैं तेरे को मारती हूँ धक्का। दे मार धक्का, मार धक्का, तू तो चल ही नहीं रहा। मैं मार धक्का आ रही थी, मार धक्का, तू तो चल ही नहीं रहा, मार धक्का कुकु। सही हो रहा, अब नहीं होगा। 3 कदम धक्का दिए गाइस। ये जवानी देखिए, मैं थकता नहीं हूँ ना, मैं थकता नहीं हूँ। थैंक यू। ये गाइस नॉर्मल हो गई, बट बीच में तो काफी स्टीप क्लाइम थी। मामा ओ थैंक यू। मैं कल से ना कीरत को इस फ्लावर के बारे में बता रही हूँ, बहुत अच्छा होता है, बहुत लकी होता है। थैंक यू कीरत। फॉर यू। दोस्तों ये देखो सुबह सुबह टी लीव्स इकट्ठे करने। देखो गाइस जब तुम सास को ऐसे ट्रिप पे लेके जाते हो तो सास का ख्याल भी रखना होता है, सास को डाउनहिल में वॉमिटिंग होगी। चलो कोई नहीं कोई नहीं, चलो और पानी पीना थोड़ा सा। मेरी सास एकदम से स्कूल गर्ल बन गई है। बहुत कोशिश की, तो उसी जैसे ही उस वक्त होता है अनकंफर्टेबल उसी वक्त बोलो मम्मा इज स्टिल नॉट फीलिंग वेल। मम्मी की हालत खराब हो गई। चाय पी है हमने। ओहो चाय निकाल, देखो चेक कर तो क्या, देखो लेट्स चेक गाइस की क्या निकाला है। खट्टा पानी निकला बनी के, तो ये रात के पैग सीगे गाइस जो पीते नहीं सीगे। मैं कह रहा हूँ पंजाब को पंजाब से निकाल के साउथ लेके आए ना तो बॉडी रिजेक्ट कर रही है। गाइस ये मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं, अगर आप ठंडे या गर्म दूध डिप करके खाना चाहते हो ओरियो भूल जाओगे, बॉर्नविटा के हैं सुपर यम। उल्टी नंबर 2 की बारी है गाइस, हो चुकी है। थर्ड है, फोर्थ कैसे? एक वहाँ पे जहाँ पे मेडिसिन ली थी वहाँ पे भी है। गाइस एक उल्टी है आपकी और मेरी मिस हो गई है। डेली व्लॉगिंग गाइस, ध्यान से देखिए, ध्यान से, तोते उड़ गए। मुन्नार जाते हुए एक केले खाए थे, रेड कलर के थे वो, मोटू मोटू से, इतने यम्मी थे, मुझे मम्मा को एंड मेरी मम्मा को सबको बहुत अच्छे लगे। एंड नाउ वी गोना बाय दैट अगेन। ये था वो केला। हेलो, इट वाज सो गुड दैट वी आर बैक टू बाय दिस। दिस वाज वेरी गुड।
गाइस अगर आप भी आओगे तो ये वाला केला जरूर ट्राई करना। गाइस आपको लग रहा होगा कि ये एक नॉर्मल लेज है, बट दिस इज स्पेशल साउथ फ्लेवर, ये ज्यादा स्पाइसी लगा। दोस्तों हमारी डॉली अब नारियल पानी पियेंगे। डॉली इज गोना हैव मलाई वाली नारियल पानी। गाइस खाने का फर्स्ट स्टॉप रासा करके एक जगह पे आए, ऑल वेजिटेरियन फूड। मम्मा इज स्टिल नॉट फीलिंग वेल दोस्तों। मैं खाएगा पुट्टू, ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट ऑफ केरला। और ऑर्डर करना बाय चांस, मेरा पुट्टू फेल हो गया। ये है कुकू का ऑथेंटिक केरला ब्रेकफास्ट पुट्टू। मेरा है इडली वड़ा, मम्मा का सिर्फ इडली, और मिसेस गिल तीनों में से चुंगे मारेंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि मिसेस गिल की तबीयत ठीक नहीं है। पहले मिसेस गिल कहेंगे वो फ्रेश लाइम, फिर शील फील बेटर, फिर उसके बाद देखेंगे। एंड हाउ इज पाइनएप्पल लस्सी? इसके छींटे आ रहे ऊपर। ओ भाई मम्मा इट्स सो यम्मी। उत्तरी, अरे यहाँ से छींटे आ रहे, काम चल रहा है। दोस्तों मेन्यू की सबसे महंगी चीज ऑर्डर कर दी गई है। गाइस फिग ट्री देखो कितना बड़ा एंड सुंदर है, ये देखो कैसे फिग्स लगते हैं, सो प्रिटी। Life is a winding road, no telling where it goes. Dosto, abhi hai LP mama kitni dur? 1.5 hours more. Yes, maine jabki laga li, meri mama ne jabki laga li. Now feeling better. Dosto, yehi paddy fields, rice fields. Udhar ho rahi hai Chinese fishing. We have reached to LP Backwaters. So glimpse le lo houseboats ke. Dosto ye dekho banana. Choti si Motu and Chotu banana. Welcome to LP. Be very careful from here. Okay. Adventure is on. Yes, adventure is on. Guys sara saman shift kar rahe hain. हमारी बोट शायद ये है, दिस इज अ बोट। वन बाय वन मिस्टर शर्मा ऑन द ड्राइवर सीट। बाबू आई एम नॉट मिस्टर शर्मा। ओ ये चल क्यों रही है भाई? ओए ओए अरे हिल रही है, हिल रही है, ओ भाई हिल रही है। तूने क्या करा है ये? ये इसने गियर लगाया है। ये देखो हमारी मॉम्स सो क्यूटली बैठ करी है। हमारे कैप्टन एंड हमारे कुक हमारे साथ जा रहे हैं। मामा कैसा लग रहा है आपको? Beautiful, मैं भी शौक से डालू आराम से। आराम से फ्री हो जाओ। We have welcome drink. मामा चलो ड्रिंक लेते हैं। Thank you. दोस्तों हमारी बोट स्टार्ट हो गई है। Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Such a big boat, mama. Such a big boat. Mama emotional, guys. Actually, daddy ऐसे mama को मजे करवाया करते थे. Aww, so cute. Enjoy कर रहा है, emotions का time नहीं है. Guys, मेरी mama भावुक हो गए थे थोड़े, तो उसी वक्त मैंने emotion change कर दिया. Hello. Hi. So you are the captain? Obviously you're driving, you are the captain. Must joke maran ya hasre alkat has. I really wanna know if I love fake. Guys that's why it is called Venice of India. Even if I'm falling down I will keep. Hamari ulti girl. याद मत दिलाओ मुझे। तो ये मैं बोट की स्टार्टिंग में हूँ और अब टाइम आ गया आपको पूरा हाउस टूर देने का, क्योंकि हम हाउस बोट में, इसलिए हम इसको हाउस टूर ही कहेंगे या चलो हाउस बोट टूर। तो यहाँ पे बैठते हैं हमारे कैप्टन, ठीक है, और ये आता है व्यू, और अभी हवा चल रही है बढ़िया, बट थोड़ी थोड़ी गर्मी है, सो वी गोना टर्न द एसी ऑन। इसमें आप दो टाइप के बोट्स ले सकते हो। पहली बोट होती है जो होती है डीलक्स एसी, अलाउज यू टू टर्न ऑन द एसी रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। दूसरी प्रीमियम एसी जिसमें आप सारा टाइम एसी ऑन कर सकते हो, तो हमने प्रीमियम एसी ली है। प्रीमियम एसी में क्या होगा, ये भी विंडोज बंद कर देंगे जब तक एसी चल रहे हैं। अगर आपको विंडोज खोलने तो आपको एसी ऑफ करने पड़ेंगे। की रात हमारी मम्मियां क्या कर रही हैं ये बता दो। हमारी मम्मियां खा रही हैं लंच। अब सारा बताओ कि क्या-क्या है आपके पास, कैसा लगा? टेस्टी यम्मी एंड वेरी रिच फूड।
और प्रीमियम एसी और डीलक्स एसी में थोड़ा सा डिश का भी फर्क होगा मेरे ख्याल से। प्रीमियम हमें दो सब्जियां मिली, उसमें डीलक्स में सिर्फ एक होती है। थ्री है वो भी सब्जी है। आगे बढ़िए, अपना वो दिखाइए हमें इलाका। Which we should not open, but we have opened. This is the emergency door, I guess. Guys, जैसे आप ट्रेन में नीचे पैर लटका के नहीं बैठते, same you can do it here. But when ACs are off. Cute board है ना, I loved it. You loved it. This is how I imagined. Oh my God. ये हमारे छोटे सा corridor आ गया. This is our first room. Okay. Lights on करो. Wow. Very nice. Oh ho. Oh. रंगीन हो गया एकदम से। और यहाँ पे भी प्रॉपर विंडो है। ये फिशी और मेरा रूम है? ये कोई फिशी और मेरा रूम नहीं है। ये अपनी मम्मा के साथ सोएगी और मैं अपनी मम्मा के साथ। True. And this is very important. The main stuff, the washroom. Washroom छोटू सा। Very nice. जितना ये needed है उतना है। Full bath है। ये रहा। Cup. Shower भी है। Nice. थोड़ा सा सॉरी अगर आपको पीछे जनरेटर की आवाज आ रही हो, इसकी मोटर बोर्ड्स की आ रही है और एसी चल नहीं रही। कब आई एम सर्चिंग फॉर माय हाइज। आवर सेकंड रूम एंड दिस इज अ सेकंड वॉशरूम। ये थोड़ा स्ट्रेट में है। ऐसे गर्मी में कुकू पूरा ऐसे लाल हो गया। सो गाइस जो टोटल खर्चा होता है वो था डीलक्स का 12,000 एंड प्रीमियम का 15,000 जो मैंने थोड़ा बहुत बार्गेन करके डिस्काउंट मिल लिया। प्रीमियम हमें पड़ गया 14,000 के। थ्री मील्स, चार लोग, दो बेडरूम, दो बाथरूम, फुल खाना, इवनिंग स्नैक, घूमना फिरना, सब मजे। एक और रूल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5:30 के बाद एंकर लगा देंगे, फिर वो रुक जाएगी एंड उसके बाद 9:00 आपका चेकआउट है। एंड वी आर लविंग द एक्सपीरियंस। जो इसकी हाउस बोट की बेस्ट बात लगी, दिस इज अ प्राइवेट हाउस बोट। मैंने लिटरली 14,000 में booking.com और मेक माई ट्रिप से भी मैंने देखी थी। दे वर गिविंग लाइक शेयर्ड हाउस बोट्स, उसमें मल्टीपल फैमिलीज थे, लाइक इट वॉज लाइक 6 to 8 रूम्स। ये है प्राइवेट पूरी, इसमें ओनली 2 रूम्स है एंड दिस इज जस्ट लाइक फॉर योर फैमिली। सो आई एम लविंग इट। केरला फील्स गाइस, केरला फील्स। तो सारी बातें एक तरफ, ऐसी कौन सी वीडियो बना रही जो तूने कुंडिया लगाई है यहाँ पे? दोस्तों खाना खा के सबसे पहले मैं नहाने जाऊंगा, बहुत गर्मी लग रही है। मेरे को मजा आ रहा है ऐसे गर्मी में, पता नहीं क्यों। हाउस बोट का क्योंकि क्या होता है 5:30 के बाद तो लाइक यू कैन नॉट राइड द हाउस बोट, एंकर लगा के मतलब स्टिल हो जाती है, तो काफी यूज लाइक की बोरिंग हो जाएगा। ये था कि यहाँ पे रुक के क्या करेंगे, जब तक चल रही थी मजा है। एंड मुझे ये हाउस बोट इतनी सुंदर लगी, जैसे फियांशु ने वीडियो दिखाई थी मेरे को, इट्स लाइक एग्जैक्टली लाइक दैट। दिस इज फॉर ऑल आवर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। इसी पे सब्सक्राइब कर देना, मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा डायरेक्ट ओनर का, तो मेरे ख्याल से आपको शायद हमसे भी सस्ती पड़ जाएगी। हमारा तो मिडिल मैन था ना, तो मेरे ख्याल से 3,000-4,000 उसने भी कमाए हैं। सो फॉर माई सब्सक्राइबर्स जनित में जारी। जो भी वीडियोस देखी ना वो सबने ऑनलाइन बुक करवाई हुई थी एंड उसमें मार्जिन होता है। एंड आई ट्राइड अ लॉट के कुछ ऐसे डायरेक्ट मिल जाए सो दैट इट्स मोर चीपर, कोई मिडिलमैन नहीं होगा, बट हमें मिलना नहीं था। बट यू कैन डेफिनेटली टेक दिस एडवांटेज एंड आप डायरेक्टली इस नंबर पे फोन कर सकते हैं एंड अपना डायरेक्ट बुक कर लो, कोई मिडिलमैन करने की जरूरत ही नहीं है। माय मम्मा एंजॉयिंग फुल पावर गाइस। वेरी नाइस व्यू, वेरी नाइस फीलिंग, लव यू। वैसे ये है ना? हां मम्मा ये, हां ये 8 वाली। और सारे रूम्स के आगे आगे देखो ऐसे है। दिस इज मोर चीपर गाइस, ये वाली थोड़ी चीप पड़ती है बिकॉज़ इसमें आप शेयर कर रहे हो ना। मेरी मम्मा क्या करने जा रहे हैं? मेट्रो स्टेशन पे जा रही है। अरे वाह, ओके बी राइट बैक, कुछ मिस ना हो जाए। पूरी एंजॉय करो। थैंक गॉड के मैं सही हो गई, मेरे को ये टेंशन था कि वहां जाके पता नहीं क्या बनेगा। कैसा लगा मम्मा? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही मजा आया। फियांशु ने प्राइवेट करवाई है, यूजुअली ऐसे शेयर्ड होती हैं जिसमें 8-8 रूम्स होते हैं और फिर बाकी फैमिलीज भी होती हैं, फिर ऐसे प्रॉपर मतलब कैसे वो, ये बिल्कुल प्राइवेट है। हम बिल्कुल वही, तो यही बिल्कुल अलग से मजे वाली बात है ना। अच्छू मम्मा कैसा लग रहा है? लविंग इट। बेस्ट कमेंट मम्मा, इमोशनल हो गए थे। मम्मा ऐसे अपने डैडी को बहुत मिस करते हैं ना, अपने पापा को।
अपने डैडी लाया करते थे मुझे पहले यहाँ पे नहीं मैं शिकारा डैडी बहुत घुमाते थे जैसे वो डैडी को शौक था ऐसे घूमने फिरने का तो मम्मा ऐसे जैसे मैं भी सिर्फ अपने पापा के बाद तेरे साथ ही हम शिकारा में सेम है थैंक यू फिशी थैंक यू गाइस थैंक यू सो आई एम एंजॉयिंग टू द फुलेस्ट विद माय कैप्टन पूरा चला रहे हम आगे जाके पार्क करेंगे और रात को वहीं स्टे करेंगे बाबू अभी नहीं अभी तो शुरू हुआ है बोट नंबर सो हर बोट पे देयर इज अ डिफरेंट नंबर जैसे गाड़ियों पे होता है ना जैसे उस बोट का वो रहा That's my mind I will keep on holding my head high even if the sky is falling अभी हम ऐसे सारे यहाँ पे बोट्स इकट्ठा हो रही हैं Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. अच्छा लग रहा? बहुत ही मजा। तुम्हें पता ना, I love water. I know, you love water. मम्मा को बहुत अच्छा लगता है ऐसे पानी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे बचपन से dreams जो मेरे साथ होती कि नदी के किनारे मेरा घर है। Is it worth it? Yep. It's worth it. हीरे मोती जा रहे हैं। वो मैं ऐसे चुन रही हूँ imagination. Sometimes we're crashing down, but we get up and... पूरा ही वेनिस लग रहा है पूरा ही वेनिस और क्यों ना हम वेनिस को बोले यूरोप का एलपी बड़ा फन है यार अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है इतना सुंदर लग रहा है ना ऐसे अलग से ऐसे रिलैक्सिंग इस उम्र में तुमने इतनी खुशियां दी एक और मेरी वो मेमोरी में फीड हो गया आपने इतनी खुशियां दी है मुझे बड़ी और बोट कम लाइक कुकु नाउ ऑनवर्ड्स आवर रूम इज सेपरेट Yes, Vishy. दूसरे रूम में आना पड़ेगा कपड़े मांगने के लिए Yes, Vishy. देख ममता का निछावर बहुत हो गया दोनों इंटर्न को साथ चलाओ दोस्तों अब हम मूव हो चुके हैं अपने रूम में कैसा लग रहा है फिर इसके बाद आप लोगों को हॉस्टल नहीं जाना हमारी यही वाले हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज मुझे ये जो लाइटिंग का सेटअप है ना ये बिल्कुल लगता ही नहीं वो देसी कोई तरीका है जैसे बार टाइप की होती है हम डिसाइड कर रहे थे ना कि मम्मा हाउस बोट लें या शिकारा में भी तो ऐसे ही हो जाएगा नहीं फिशी वो बंद में ऐसे बेड होगा और हम बाहर का व्यू देखेंगे वो कैसे ऐसे शिकारा में रिलैक्सिंग होएगा बाकी लोग भी होंगे शिकारा में लेनी दोस्तों बेड पे लेटा हुआ और ऐसे चलते चलते व्यू वो देखो ये बहू को उठाना चाहिए माँ जी इतना एंजॉय नहीं कर सकता कर रहे तू माँ जी यार घर जाने का दिल नहीं करेगा क्या करेगा मिशन सक्सेसफुल हम दोनों ने सारा ट्रिप ऐसे ही प्लान किया था कि एक बारी आपको हॉस्टल रफ पैच थोड़ा सा दिखा देता कि वो यंग यंग वाला हो जाए फिर हम जैसे जैसे अब ये इजी आ गया फिर हमने हाँ और ऐसे वाला रिजॉर्ट किया है फिर उसके बाद हमने रिजॉर्ट किया तो आप लोग आराम से कम्फर्टेबली एंजॉय कर सकते हो Cheers! आज लग रहा है केरला पहुंचे
क्या पकौड़े हैं दोस्तों, मुझे दाल। दोस्तों अब हमारी बोट रुक चुकी है। क्या बात है दोस्तों, ये देखो छतरी लेकर, सो क्यूट। I've been through days and nights, won't stop for traffic lights. दोस्तों वहां से मैं राम राम करते आया है ड्रोनी को पकड़ने के लिए। ड्रोन मांग रहा पहले दूसरे हाथ में पकड़, हाँ पकड़ ले प्रॉपरली पकड़ बाबू, दूसरे हाथ में पकड़, दोनों हाथों से नहीं पकड़ने हुआ। हाँ बस हाथ दे दे अपना, कुछ नहीं है तो बाबू भी। ये तुझे लग रहा है मैं जॉर्डन गाइस, बुरा हाल हो गया जॉर्डन, हम गॉर्डन्स लगने। दोस्तों ये है मेरे रूम की विंडो से व्यू, सुंदर सुंदर एलपी बैक वाटर्स। मुझे लग रही थी बहुत गर्मी, बट अब चल गया है पंखा रूम में एंड एसी भी बड़ा मस्त चल रहा है। थैंक गॉड हमने फुली एसी लिया है, बिकॉज वरना एसी के टाइमिंग्स होते हैं नॉन एसी वाली पे 9 to 6 AM और अभी बज रहे हैं 5:30, मर जाते अगर एसी वाली ना होती। दोस्तों फिशी अब काम करेगा एंड मैं फिशी के साथ बैठ के ये व्यू देखेगा। दोस्तों बिल्कुल मूड नहीं काम कर रहा था, बट डेडलाइन है, एक क्लाइंट तो इतना सड़ा हुआ है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूँ, हमने थोड़ा काम भी सबमिट करके दे दिया। जब से उसको पता लगा कि मैं घूमने निकला हूँ ना, सच में कभी कर क्या होता है, दिल से दिल की बात बता रहा हूँ, क्लाइंट को काम पसंद भी आ जाए ना, फिर भी उसने पंगे कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता तुम घूमने निकले हो, तुमने काम भी जल्दबाजी में किया। और सुनो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट की ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती समझ। अगर किसी ने दिखा दिया ना तेरी तो मैं एक ही क्लाइंट है मेरा। मैं सर आपके बारे में बोला ही नहीं, बड़े हरामी हो बेटा। वो देखो स्पीड बोट ले रहे हैं। सुंदर नजारा दोस्तों, और पीछे हमारी हाउस बोट है पार्क। दोस्तों ये देखो यार, बहुत बिग है, मैंगोज लगे उधर। बस करो, क्या करोगे आप यार, कैसा है ये देखो दोस्तों। मम्मा इसमें कीड़े होंगे? अरे नहीं होंगे, नहीं। मम्मा आर यू सीरियस? यस। आर यू गोना ईट इट? यस कीरत। ओ गॉड इतना यम्मी, सीरियस है? हम काट देगा कीड़ा हुआ फिर? नहीं बेटा, कीड़ा ने ऊपर ली लेयर नीचे गिरी हुई। भाई साहब मेरी माता ने तो, माय गॉड, चिड़िया ने पक्का चुगा होगा ये। मम्मा ने तो आते सार जो झपट्टा मारा मैंगो पे। को ऐसे खा रहे जैसे कभी मैंगो नहीं देखा इस लड़की ने। अभी पंजाब में नहीं ना है? हाँ ये तो बात है, पंजाब में अभी मैंगोज आए नहीं है। दोस्तों इतने बड़े बड़े मैंगोज है ना ये, इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े। मम्मा देखो दोस्तों, कहते मैंने अपनी कुड़मिनी के लिए एक पका हुआ आम ढूंढना है। मिल गया, आ जाओ अब, कच्चा हुआ तो कह देंगे सब्जी बना दो तड़का लगा के। मम्मा उन आंटी से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो फ्रूट है वशकाया, नॉट गुड टू ईट। चले अब, ये देखो कच्चे उठा लिए, तेरी मम्मा खाएंगी। ये थोड़ा सा पका लग रहा है। दोस्तों कितना सुंदर है इधर। दोस्तों मम्मा हमें मिल गई स्प्राइट, चलो चले कुछ तो एडवेंचर करते हैं। उधर सनसेट हो गया है, वो रही हमारी हाउस बोट। चलो जी चढ़ गई मम्मी तो, मेरे को डर लगेगा। राम 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 राम। दोस्तों अंधेरा हो गया है अब, एंड मेरे को पास ही एक घर में दे आर सेलिंग कोका कोला, पेप्सी नहीं मिल रही एक्चुअली मुझे, बट आई सॉ स्प्राइट, सो दे आर सेलिंग स्प्राइट, सो मैं बोलूंगी। अर्चू मम्मा का बहुत दिल था एंड फिशी का भी दिल था, एंड आई फाउंड द प्लेस, यस सक्सेस, थैंक यू, बाय बाय। गॉट स्प्राइट एंड आई गॉट दिस। दोस्तों पूरा अंधेरा हो गया,
ये अकेली हाउस बोट चलती आ रही है एंड काफी सुंदर लग रहा है ये। इतनी ज़्यादा अच्छी और गहरी नींद आई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और पूरी बोट इतनी अच्छी लग रही है, मतलब ये लग रहा है कि इसे ड्राइंग रूम टाइप से है, लग नहीं रहा बोट है, पता ही नहीं चल रहा, इतना ठंडा माहौल हुआ हुआ है। और मैं पता कहाँ सोया, क्योंकि हार्ड मैट्रेस ही होता ना, हमारे मैट्रेस बहुत सॉफ्ट है, पलटा के भी देख लिया। मैं इतने से सोफे पर सोया हूँ, मतलब ये एक साइड हो गया, ऐसे एक और आगे। हीरोइन ने इतनी गहरी, आप सोए नहीं, इतनी गहरी और अच्छी नींद आई है ना मुझे, मैं बता नहीं सकता आपको। ये हमारा डिनर बनाया उन्होंने, वो भिंडी पनीर समथिंग एंड आलू की सब्जी, वो सब खा लो जल्दी से, और चपाते भी है। मेरी बीवी का है दोस्तों, मैं कपड़े चेंज करने गया एंड इधर तो डिनर सर्व भी हो गया और खाना स्टार्ट भी कर दिया, फिनिश भी होने वाला है। माय फेवरेट भिंडी दाल एंड व्हाट इज दिस, आलू गाजर पनीर एंड आई लव भिंडी, मेरे लिए भिंडी एंड दाल चपाती टू, वेरी नाइस, थैंक यू। तो सारा खाना सुपर टेस्टी था, बट इन्होंने स्वीडिश में कुछ दिया नहीं था, और हम सबको चुल लगी थी कि कुछ मीठा खाना, कुछ मीठा खाना। एंड उसके बाद मम्मा ने आइडिया लगाया, चावल और चीनी मंगवाई है, फिर मम्मा ने मिक्स करके ऐसे बना दिए चीनी वाले चावल, वेरी वेरी टेस्टी। अभी बज रहे 9:30 एंड आई कांट बिलीव आई एम गोना से गुड नाइट। हम जल्दी सो रहे हैं एंड सुबह जल्दी उठेंगे, बिकॉज हमारी हाउस बोट से बिल्कुल सामने ही सनराइज होगा, सो वी गोना बी वेकिंग अप अर्ली एट 5:30 टू सी द सनराइज। उसे जल्दी ही उठ जाओ, हाँ। क्योंकि काफी जल्दी सो रहे हैं और काम कुम भी कर लेंगे अपना अर्ली मॉर्निंग, कल फिर से ड्राइव है, अराउंड 4 hours लगेंगे यहाँ से वर्कला जाने में, ठीक है। और डे 4 होने वाला है कल केरला का, तो जुड़े रहना, आप सब्सक्राइब करना अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आप नए हो, पहली बार आ रहे हो, तो आप पिछले 2 दिन देख सकते हो कि हमने मुनार में क्या क्या किया, ठीक है। चलो बाय बाय, इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, सो दैट आपको पता लग जाए कि जब हम नई वीडियो डालेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल।